फ्रेंड वेलकम टू नॉलेज आईक्यू विषयक, आप सभी का स्वागत है नॉलेज आईक्यू विषय की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। और आज की हमारी अपडेट होने वाली है टाटा स्टील JET की इलेक्ट्रॉनिक्स की कट ऑफ से रिलेटेड, जिसमें मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट से बात करी, क्वेश्चंस का उनसे आइडिया लगाया और किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे वो पूछे, उनके कितने अटैम्प्ट थे वो पूछे, और एक पोल भी कराया टेलीग्राम पर जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ कट ऑफ का आपको देखने को मिलेगा। मे भी हो सकता है कट ऑफ इससे थोड़ी आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाए, या फाइनल कट ऑफ आए तो 2-4-5 नंबर ऊपर नीचे यहाँ पर हो सकता है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी अच्छी से तैयारी भी कर रहे थे, काफ़ी समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 2-2-3-3 साल से जुड़े हुए हैं, और साथ साथ वो भी जिनको नए हैं उन सबसे मैंने एक आइडिया लिया, स्टूडेंट से पूछा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है कट ऑफ जो आप लोग देख सकते हैं जो मैंने डिज़ाइन करी है, उस कट ऑफ को डिज़ाइन करने से पहले आपको दिखा देता हूँ पेपर किस टाइप का था। देखिए पेपर में दो सेक्शन थे, एक आपका सेक्शन था डोमेन का जो 80 नंबर का आया था, सेक्शन 2 आया था IoT का जो 20 नंबर का आया था, टोटल 100 क्वेश्चन थे आपके जो आपके 80 और 20 के वेरिएशन में आपके यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डोमेन के 20 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा बेसिक आए थे, जैसे कि सारे पेपर में मैं देख रहा हूँ कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के अंदर भी मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है, तो उसमें मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो डोमेन के क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन आपके डायरेक्ट सीधे आपके कुछ ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन थे और कुछ आपके डायरेक्ट जो है कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन से क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन थे आपके बहुत बेसिक आए थे जो मतलब कॉमन इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चन होते हैं, और बाकी 40 क्वेश्चन मॉडरेट थे जिसमें स्टूडेंट कह रहे थे कि थोड़ा सा उन्हें सोचना पड़ रहा था, या कह सकते हैं थोड़े से क्वेश्चन उन्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा था, और बाकी के 20 क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे, मतलब उन क्वेश्चंस को करने में स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई है। कुछ 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो स्टूडेंट कह रहे थे कि ऊपर से निकल रहे थे, यार जो भी उनका वर्ड होता है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहे थे कि वो क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करना है। तो कह सकते हैं 60 क्वेश्चन आप इजी टू मॉडरेट लिख सकते हैं, 20 क्वेश्चन यहाँ पर हार्ड रख सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं पेपर जो है अगर बात करूं तो इजी टू मॉडरेट ही रहा है। IoT का सेक्शन तो जैसा मैंने बताया कि IoT का क्वेश्चन कॉमन आया था, अगर आप YouTube पे मेरी वीडियोस ही सारी देख लेते तो वहां से आप IoT के 15 से 15 क्वेश्चन तो आसानी से आप करेक्ट कर सकते थे, 20 में से ज़्यादा ही आपके करेक्ट होते, बिल्कुल डिट्टो वहीं से क्वेश्चन आए थे। मैंने काफ़ी मेहनत करके और बहुत सारी मतलब वीडियोज़ बना रखी हैं IoT की, और बहुत सारे ऑलरेडी पेड PDF वगैरह यहाँ पर मैंने प्रोवाइड करी थी ताकि स्टूडेंट जो है अच्छे से उन क्वेश्चंस को देख पाएँ, और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हैं। बाकी टेक्निकल का मैं यही कहूँगा, टेक्निकल जिन स्टूडेंट ने भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो उनके लिए यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आई होगी, और जो भी है 20-25 क्वेश्चन हार्ड रहे होंगे तो उनमें भी वो 8-10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अच्छे अच्छे स्टूडेंट ने बनाए होंगे। तो आप देखते हैं कट ऑफ क्या कट ऑफ आपकी रह सकती है यहाँ पर। तो अगर हम कट ऑफ के सेक्शन पे आएंगे तो उससे पहले आपको दिखा देता हूँ, एक मैंने पोल बनाया था जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का अपने टेलीग्राम में पोल है नॉलेज IQ अभी में, इसका नाम आप देख सकते हैं। इसमें करीब 973 स्टूडेंट ने यहाँ पर देखा, जिसमें 131 क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, 2000 से भी ऊपर यहाँ पे स्टूडेंट है, तो उसमें 131 वोट्स हुए जिसमें आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट 30 से 40 क्वेश्चंस करेक्ट कर रहे थे वो 9% थे, 40 से 50 वाले 11%, 50 से 60 वाले 19%, और 60 से 70 के भी जिनके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं वो 25, यानी सबसे ज़्यादा जो जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो 60 से 70 के बीच में यहाँ पर सही हो रहे हैं। तो कट ऑफ भी आप समझ सकते हैं इसी के आसपास कहीं आपको देखने को मिलने वाली है, 18% देख सकते हैं 70 से 80, और लास्ट में भी 18% 80 से 90 मार्क्स यहाँ पे स्कोर करते नजर आ रहे हैं। तो अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए कट ऑफ जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 65 से 75 के अंदर जा सकती है, क्योंकि अभी यहाँ पर जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर 80 क्वेश्चन भी करेक्ट अटैम्प्ट बता रहा है तो उसके हो सकता है 7-8 क्वेश्चन निगेटिव या 10 क्वेश्चन निगेटिव कटेंगे, तो उसके भी वहाँ पर नंबर जो है आपके 70 से नीचे या 71-72 मार्क्स रहेंगे, तो उसका फाइनल सिलेक्शन होने का चांसेस रह सकता है। इसी तरीके से तो OBC का भी कह सकते हैं 65 से 70 यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है, SC की 60 से 70 क्वेश्चन यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है, ST की 55 से 65, PWD की 50 से 60 कट ऑफ यहाँ पर जाने का फुल चांसेस है। बाकी मैं ये नहीं दावा करता कि कट ऑफ आपकी 100% ऐसी जाएगी, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि आप हर एक ब्रांच की एक कट ऑफ वीडियो बना दो, तो मैंने उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ हर एक ब्रांच की, ताकि स्टूडेंट को एक आइडिया लग जाए, थोड़ा सा एक पता लगे कि क्या कंपटीशन का लेवल है। बाकी कट ऑफ का क्या है, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत सारे भी हो सकते हैं उस ब्रांच के अंदर, तो वेरिएशन कर सकता है, उसका कोई दावा नहीं रहता, लेकिन फिर भी एक आइडिया कि इतना तो कट ऑफ आपकी जाएगी जाएगी जो कट ऑफ है इलेक्ट्रॉनिक्स की 71, 68, 69, इनमें से कुछ भी जा सकती है, 74 तक भी जा सकती है, लेकिन उससे ज्यादा जाना यहाँ पे आसान नहीं नजर आ रहा है, उससे कम ही आपकी कट ऑफ यहाँ पे जाएगी। बाकी अदर ब्रांचेस जो भी स्टूडेंट हैं उनकी भी जो है बता दी जाएगी। बाकी अब जिनके भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनका टाइम आ चुका है अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने का, अब इंटरव्यू से रिलेटेड मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को बनाइए, बाकी जो भी आपके इंटरव्यू से रिलेटेड और भी गाइडेंस होगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एक अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना दूंगा कैसे आपको प्रिपेयर होकर जाना है, सारी चीज़ें वहाँ पर बना दूंगा, उसकी आप टेंशन ना लें, आपको मिल जाएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू so much.